वी द पीपल, हम भारत के लोग, अब काफ़ी बड़ा होने लगा है। लोगों का रुझान और प्यार संविधान के प्रति बहुत ज़्यादा है, सम्मान बहुत ज़्यादा है। क्योंकि ये संविधान के ऊपर आधारित है, इसलिए लोग इसको देख रहे हैं, जान रहे हैं, परख रहे हैं और तेज़ी से इसकी तरफ आ रहे हैं। क्योंकि अब तक जितने भी जगह लोगों ने काम किया या जो भी समण समाज के, बहुजन समाज के संगठन हैं, वो व्यक्तिवाद पर आधारित हैं, वो मनुस्मृति पर आधारित है। वहाँ तानाशाही होती है, व्यक्तिवाद होता है। उन्होंने कभी अपने यहाँ संविधान लागू नहीं किया, हालांकि वो बार बार कहते रहे हैं कि संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है, मगर बस वो कहते रहते हैं, अपने यहाँ संविधान लागू नहीं करते। भाई जब संविधान देश के अंदर लागू हो सकता है तो आपके संगठन में भी तो लागू हो सकता है, कौन रोकता है उसको? आप क्या नया संगठन बना लेते हो, क्या नया संविधान बना लेते हो? व्यक्तिवाद पर आधारित। इसलिए जो मनुवाद से लड़ने जा रहे हैं, उनके खुद के संगठन मनुवाद पर आधारित हैं, तो लड़ोगे कैसे भाई? तुम तो भाई भाई हो, तुम तो दोनों एक से हो। तुम्हारा संगठन का नेता भी मनुवादी है, क्योंकि उसने अपने यहाँ मनुवादिक सिद्धांत लागू किया हुआ है, व्यक्तिवाद लागू है, तानाशाही लागू है, वहाँ कोई चुनाव तो होता नहीं। और लड़ने किससे जा रहे हो? लड़ने जा रहे हो मनुवाद से, तो भाई आप पानी से पानी लड़ेगा, दोनों पानी मिलेंगे तो पानी ही रहेगा रिजल्ट, कहीं दूध वूध नहीं आने वाला है उसका। इसलिए ये बेकार की बात है कोई आदमी ये कहे कि संविधान खतरे में है, संविधान को बचाओ और संविधान को सर पे लेके घूमे और संविधान के साथ फोटो खिंचवाए और संविधान को अपने यहाँ लागू ना करे। वो दोगला आदमी है, कह रहा है कि संविधान को बचाना है और संविधान को लागू करता नहीं, तो वो क्या लागू करेगा और क्या जानता संविधान के बारे में? वो कुछ नहीं जानता। इसलिए ऐसे जो लोग हैं उनसे ये प्रश्न करना चाहिए कि भाई आप कैसे संविधान को बचाओगे जब खुद लागू नहीं करते हो उसको? जब खुद तुम मनुस्मृति को लागू करते हो अपने यहाँ और बात करते हो संविधान की और अम्बेडकर बात की, तो डॉक्टर अम्बेडकर ने तो साफ कहा है कि संगठित रहो। तो जब तुम विचार देते हो इस बात के लिए कि संगठित होना है, संगठित होना है, तो ये तुम्हारा विचार अपने आप पर लागू क्यों नहीं होता? तुम टूट के आते हो, टूट जाते हो, तो तुम्हें टूटने की मान्यता देता कौन है? एक बड़े कमाल की बात है कि भारत की आज़ादी के लिए जब यहाँ इंकलाब चल रहा था, तो एक अंग्रेज से उसकी मैम ने कहा कि अब तो हमको भारत को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि भारत के लोग भारत से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और अब ये भारत के लिए मरने मिटने को तैयार हैं और अब हमें मजबूरी में जाना पड़ेगा। तो वो अंग्रेज हंसा, उसने कहा कि इनका इंकलाब झूठा है, हम इनकी वजह से नहीं छोड़ रहे हैं, हम तो इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार में हमारी कमर टूट चुकी है, अब हम किसी भी देश को नहीं चला सकते, इसलिए सभी देशों से हमको जाना पड़ेगा। तो उसकी पत्नी ने आश्चर्य से पूछा कि ऐसा कैसे कह रहे हो आप? तो उसने ये कहा कि देखो अभी हम आपको प्रूव करके दिखाएंगे। और उन लोगों ने भारत के दो टुकड़े कर दिए। और कमाल की बात यह है कि भारत के दो टुकड़े हो गए और जो लोग अखंड भारत चिल्लाते हैं, जो कहते थे कि भारत इंकलाब है, भारत एक इंकलाब है, उन लोगों ने भारत के टुकड़े होने पर कोई विरोध ही नहीं किया। पूरी हिस्ट्री में, पूरी मॉडर्न हिस्ट्री में कहीं कोई आपको एक भी प्रदर्शन ऐसा नहीं मिलेगा जब उन लोगों ने ये कहा हो कि नहीं भारत नहीं टूटेगा, हम तो भारत के साथ रहेंगे, भारत एक ही रहेगा। अंग्रेज कैसे तोड़ जाते अगर यहाँ के लोग नहीं चाहते? और अंग्रेज अगर तोड़ के चले भी गए, तो वो चले गए तो ये जुड़ जाते आपस में, मगर आज तक भी ये बात नहीं आई कि भारत को जो टुकड़े इसके टूटे हुए हैं, वैसे तो महाभारत के बहुत सारे टुकड़े टूटे हुए हैं, जिसमें नेपाल भी है, जिसमें अफगानिस्तान भी है, जिसमें पाकिस्तान भी है, जिसमें बांग्लादेश भी है, ईरान का हिस्सा है, मंगोल है, बर्मा है, और ऊपर भी जो देश है, ये सारे के सारे महाभारत के हिस्से हैं। मगर लेटेस्ट अगर बात करें मॉडर्न भारत की, तो उसमें तो आवाज़ उठनी चाहिए थी, आंदोलन होना चाहिए था कि हम भारत को टुकड़े नहीं होने देंगे चाहे कुछ हो जाए, मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं। और दोनों ही तरफ के लोगों ने और उनके भक्तों ने उनको मान्यता दे दी कि तुम इधर का प्रधानमंत्री बन जाओ और तुम इधर का प्रधानमंत्री बन जाओ और हमें इसके टुकड़े स्वीकार हैं। तो अंग्रेज की बात सिद्ध हो गई कि भारत का जो आंदोलन था वो भारत के लिए नहीं था, वो प्रधानमंत्री बनने के लिए था। तुम भी प्रधानमंत्री बन जाओ, हम भी प्रधानमंत्री बन जाएं। ऐसे ही भारत के सामाजिक संगठनों के जब टुकड़े होते हैं तो उनके कार्यकर्ता उनको सपोर्ट करते हैं, तुम इधर के प्रधान बन जाओ, तुम इधर के बन जाओ। फिर वो और दो टुकड़े होते हैं, वो कहते हैं तुम इधर के प्रधान बन जाओ, तुम उधर के प्रधान बन जाओ। तो जितने दोषी नेता हैं संगठन तोड़ने के लिए, सामाजिक संगठन तोड़ने के लिए, या धम्म के संगठन तोड़ने के लिए, या जो सरकारी कर्मचारियों का संगठन तोड़ने के लिए, या जो लड़कों ने दलबल सेना के संगठन बना रखे हैं उनको तोड़ने के लिए,
उतने ही उनके कार्यकर्ता, उनके सपोर्टर भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो उनको मान्यता देते हैं और वो कहते हैं हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और कोई आदमी अगर बोलना भी चाहे तो उसको कोई छोटा मोटा पद दे के वो चुप कर देते हैं या वो अकेला पड़ जाता है। इसलिए कोई बात नहीं उठती जब संगठन टूटते हैं, और संगठन मिलने की तो बात बहुत दूर की है, क्योंकि अगर संगठन मिलेंगे तो दो की जगह एक प्रधान होगा, तो एक प्रधान खाली बैठ जाएगा, तो खाली बैठना चाहता नहीं, वो कहता है तुम भी प्रधान और हम भी प्रधान, मरने दो इन लोगों को, जो लोग ये चाहते हैं कि संविधान लागू हो या देश बचे या हम बचें, भाड़ में जाएं ऐसे लोग, हम प्रधान बने रहें। ये सबसे बड़ी समस्या जो यहाँ आ रही है और जो समस्या चल रही है, उसका कारण सबसे बड़ा यहाँ ये होता है। तो इसलिए वी द पीपल के अंदर कई प्रकार के लोग आ रहे हैं। कुछ लोग आ रहे हैं जो देखते हैं, वेट एंड वॉच हैं। कुछ लोग ऐसे आते हैं जो अलग अलग संगठनों में काम कर रहे हैं, वो देखने आते हैं कि यहाँ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। कुछ लोग जल्दबाजी में हैं, उनको तुरंत रिजल्ट चाहिए, अभी 2-3 महीने के अंदर रिजल्ट आ जाए। कुछ लोग अभी बहुत छोटी सोच के हैं, जिनको जो कहते हैं कि हम वी हो गए हैं, हम हो गए हैं, मगर वो दरअसल आई हैं। अगर वो अपनी बात ना कहें या अपना चेहरा ना दिखाएं, या जिनको मैं ना हो जाए या जिनका आगे ना उनका चेहरा आ जाए, वो तब तक संतुष्ट नहीं होते। और अगर वो ऐसा ना हो तो वो बिल बुलाते हैं, परेशान होते हैं और नुकसान उठाते हैं। कई सारे लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि वी द पीपल कहीं बहुत बड़ा हो रहा है, इसमें हमारी जगह कहीं छोटी ना रह जाए, तो वो उसमें उठा पटक भी करने की कोशिश भी करते हैं और करेंगे भी। ये मनुष्य का स्वभाव जो वहाँ के संगठनों से सीख के आया है, जो मनुवादी संगठनों से सीख के आए हैं, जो मनुस्मृति के संगठनों में लिखा हुआ है, वहाँ से जो बिहेव आया हुआ है, वो वी द पीपल में लोग लागू करने की पूरी कोशिश करते हैं और करेंगे भी, मगर चलेगी नहीं। क्यों नहीं चलेगी? क्योंकि यहाँ तो व्यक्ति प्रधान है ही नहीं, तो आप चमचागिरी किसकी करोगे? तो यहाँ तो नेता संविधान है, तो किसकी चमचागिरी करनी है? संविधान की कर लो भाई, संविधान की चमचागिरी अच्छा काम है, वो आप खूब करो। तो यहाँ कोई व्यक्ति आगे आएगा नहीं कभी, जब व्यक्ति आगे नहीं आएगा तो आप आरोप किस पे लगाओगे? तो व्यक्ति कोई आगे बढ़ेगा नहीं, और व्यक्ति का कोई नाम आएगा भी तो उसको संविधान आगे बढ़ाएगा, तो चुन के आएगा, तो चुने हुए आदमी का आप कर क्या लोगे? जो चुन के आया है वो तो बहुमत से आया है, तो उसमें जो बहुमत है वो माना जाएगा। ये तो नियम है कि बहुमत से जो आता है वो सबको मान्य होता है। जैसे भारत का जो राष्ट्र, जो प्रधानमंत्री है, वो बहुमत से आता है, तो भारत का प्रधानमंत्री होता है। फिर आप उसको ये नहीं कह सकते कि मैंने वोट नहीं दिया तो मेरा प्रधानमंत्री नहीं है, क्योंकि संविधान ने उसको प्रधानमंत्री बनाया है। आप लोगों ने वोट डाल के बहुमत से उसको प्रधानमंत्री बनाया है, तो ताकत आपने दी है, ताकत संविधान को भी आपने दी है, तो आप सर्वोपरि हैं। इसलिए जो दो छुट्टे पुट्टे ऐसे लोग हैं जिनकी अकल अभी घुटनों में है, या जो अभी ज़्यादा मनुस्मृति के आधार पर अपना काम करते हैं या संगठन चलाते हैं, वो यहाँ टक्कर मार के जाएंगे, अपना सर फोड़ के जाएंगे, उन्हें यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला। मगर जो लोग संविधान को जानते हैं, संविधान के हिसाब से काम करते हैं और चाहते हैं कि संविधान के हिसाब से काम होना चाहिए, उनके लिए इन्विटेशन है, उनके लिए आमंत्रण है, उनके लिए यहाँ फ़ोन नंबर दिए हुए हैं। वो वी द पीपल के लोगों को कैसे ढूंढें, और जितनी उनमें क्षमता है उतना काम करें। संविधान आपके लिए दरवाजे खोल के बैठा हुआ है। आप में कितनी ताकत है वो दिखाइए। संविधान आपको रोकने के लिए नहीं बैठा हुआ है, संविधान आपको आगे बढ़ाएगा, पूरे देश और दुनिया में पहुंचाएगा। आइए और अपनी ताकत को आजमाइए, अपने इस संघ को मजबूत कीजिए, वी द पीपल को आगे बढ़ाइए और खुद भी आगे बढ़िए। संविधान आपको बचाएगा, आप संविधान को बचाइए। जुड़ना है, जिद है जुड़ने की, जुड़ेंगे जीतेंगे। धन्यवाद।